नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत में नशे की खेप और हथियारों को पहुंचाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। पंजाब के अमृतसर के पास अजनाला में बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ा है। अजनाला में भारत पाकिस्तान की सरहद लगती है। अजनाला के गांव शाहपुर की बीओपी पर बीएसएफ बटालियन 73 के जवान गश्त पर थे। तड़के 4:30 बजे के करीब उन्हें ड्रोन की आवाज सुनाई दी। जवानों ने 17 राउंड फायरिंग की और ड्रोन को गिरा दिया। रिकवर किया गया ड्रोन चाइना मेड क्वाडकॉप्टर DJI मैट्रिस 300 है, जो अपने साथ 10 किलोग्राम से अधिक भार उठाकर कई किलोमीटर दूर तक ड्रॉप कर सकता है। फिलहाल बीएसएफ के जवानों ने इस ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गिराए गए ड्रोन में नशे की खेप या हथियार हो सकते हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन में किसी भी तरह की खेप बरामद नहीं हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अब ड्रोन के जरिए नशे और हथियारों की खेप भारत में भेज रहा है। इसी के चलते बार बार ड्रोन गिराए जाने की घटनाएं सामने आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी में 15 सितंबर तक 171 बार भारत पाकिस्तान की सीमा पर ड्रोन की गतिविधियां देखी गई। जम्मू कश्मीर में भी आए दिन ड्रोन गिराए जा रहे हैं। बीते 15 दिनों में ये तकरीबन 15 बार ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है। अमरनाथ यात्रा के दौरान भी पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुसने की वारदातें हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के खोड़ा पोस्ट के सामने से पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुस आया था। अमरनाथ यात्रा के बीच एक महीने में 2 बार देखा गया था ड्रोन। इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thegbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।